एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओकेकार 24/7 पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं 10th पोजीशन पर आ रहे TVS के पेप प्लस के साथ। पेप प्लस की जुलाई माह में पूरे भारत में 10,210 यूनिट टोटल बिकी है। TVS स्कूटी पेप प्लस की एक्स शोरूम प्राइस 53,089 रुपए से शुरू होती है। 9th पोजीशन पर आई है यामाहा की फसीनो। यामाहा फसीनो की जुलाई माह में पूरे भारत में 11,584 यूनिट टोटल बिकी हैं। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 70,227 रुपए से शुरू होती है। ये गाड़ी जून के महीने में 10th पोजीशन पर थी, अब इसने अपनी पोजीशन इंक्रीज की है और ये 9th पोजीशन पर आ गई है। बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। 8th पोजीशन पर आई है यामाहा की रे। यामाहा रे की जुलाई के महीने में पूरे भारत में 12,032 यूनिट बिकी हैं। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 71,405 रुपए है। जून के महीने में ये गाड़ी 9th पोजीशन पर थी, जो कि अब 8th पोजीशन पर आ गई है। 7th पोजीशन पर आई है हीरो की डेस्टिनी। हीरो डेस्टिनी के जुलाई के महीने में पूरे भारत में 13,184 यूनिट बिके हैं। ये गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 66,968 रुपए से शुरू होती है। हीरो डेस्टिनी की बात करें तो जून के महीने में भी ये गाड़ी 7th ही पोजीशन पर थी। 6th पोजीशन पर आई है हीरो की प्लेजर। हीरो प्लेजर के जुलाई महीने में पूरे भारत में 16,290 यूनिट बिके हैं। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 59,421 रुपए से शुरू होती है और जून के महीने में हीरो प्लेजर 5th पोजीशन पर थी, जो कि खिसक करके 6th पर आ गई है। 5th पोजीशन पर आई है TVS की एंटॉक। TVS एंटॉक की जुलाई महीने में पूरे भारत में 16,404 यूनिट बिके हैं। एक्स शोरूम प्राइस 72,779 रुपए से शुरू होती है और जून के महीने में TVS की एंटॉक 3rd पोजीशन पर थी, जो कि खिसक करके 5th पोजीशन पर आ गई है। 4th पोजीशन पर आई है सुजुकी की एक्सेस। जुलाई महीने में सुजुकी एक्सेस के पूरे भारत में 23,171 यूनिट बिके हैं। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 71,129 रुपए से शुरू होती है और इस गाड़ी में 124 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 8.6 bhp की पावर जनरेट करता है। जून के महीने में सुजुकी एक्सेस 4th पोजीशन पर ही थी, जो कि स्टिल 4th पोजीशन पर ही है। लेकिन 3rd पोजीशन पर जो गाड़ी है होंडा डियो, जुलाई के महीने में इस गाड़ी की 37,233 यूनिट बिके हैं और होंडा डियो जून के महीने में 6th पोजीशन पर थी, जो कि अब 3rd पोजीशन पर आ गई है। होंडा डियो की एक्स शोरूम प्राइस 65,290 रुपए से शुरू होती है। 109.51 सीसी का इंजन इसके अंदर मिल जाता है, जो 7.6 bhp की पावर जनरेट करता है। 2nd पोजीशन पर आई है TVS की जुपिटर। TVS जुपिटर की जुलाई महीने में 48,995 यूनिट बिकी हैं पूरे भारत के अंदर। TVS जुपिटर की एक्स शोरूम प्राइस 65,294 रुपए से शुरू होती है। इस गाड़ी में 109.7 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 7.3 bhp की पावर जनरेट करता है। ये गाड़ी जून के महीने में भी 2nd ही पोजीशन पर थी, ये स्टिल अपनी पोजीशन पर बनी हुई है। और नंबर 1 पोजीशन पर आई है, नंबर 1 पोजीशन पर ही रहने वाली होंडा की एक्टिवा। होंडा एक्टिवा की जुलाई महीने में पूरे भारत में 118,859 यूनिट टोटल बिके हैं। इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस 66,707 रुपए से शुरू होती है और इस गाड़ी में 109.51 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो 7.6 bhp की पावर जनरेट करता है। ये गाड़ी हमेशा से नंबर 1 पर रही है और स्टिल अपनी पोजीशन को बनाने में कामयाब रही है। तो दोस्तों, ये था टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स के बारे में वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार, तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बाइक्स की वीडियो भी ऊपर के आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।